कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। दुआ करती हूँ अल्लाह से आप लोग बहुत अच्छे हो। दोस्तों, मैंने आज बनाया है आप सबके लिए जानमाज की पेंटिंग। दोस्तों, जानमाज की पेंटिंग मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे अच्छा लगा था। दोस्तों, खुदा ने कहा है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने से हमारे सारे गुनाह माफ़ होती है। अल्लाह पाक ने हमें ये फरमाया है कि जो शख्स 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है वो शख्स सारे गुनाहों से महफूज रहता है। अल्लाह उसकी सारे गुनाह माफ़ कर देता है। या हमारे मजहब में 5 वक्त की नमाज होती है। पहला होता है फजर की नमाज, जो सुबह 4 से 5 बजे के बीच में होती है। दूसरा होती है जोहर की नमाज, जो 1:30 बजे 1:15 से लेकर 1:30 बजे के बीच में होती है। और तीसरा नमाज होता है, दूसरा नमाज के नाम है जोहर का नमाज। और तीसरा नमाज होता है असर का, जो कि होती है 4 बजे के करीब। और चौथा नमाज होता है मगरिब की नमाज, जो नमाज होती है शाम के 6:45 या 7 बजे के करीब। और पाँचवा नमाज, जो कि हमारा सबसे लास्ट नमाज होता है, वो उसकी टाइम होती है रात के 9 बजे। दोस्तों, आप लोग पूछेंगे ज़रूर कि नमाज थोड़ा कजा भी हो जाए तो क्या चलेगा? नहीं दोस्तों, आप उम्मीद कोशिश करिएगा कि आपका नमाज कोई भी कजा ना होने पाए। आप ये कोशिश करिएगा सारी नमाज आप टाइम से पढ़ेंगे तो उसका सवाब पूरा पूरा रहता है। हाँ, लेकिन अगर किसी कारणवश कोई वक्त ज़रूरत, अगर कोई बड़े बड़े परेशानी में हम फंस गए हैं, नहीं पढ़ पाए नमाज, तो आप वह नमाज कजा भी भर सकते हैं। दोस्तों, जो लास्ट का नमाज है, पांचवा नमाज, वो ऐसा का नमाज जो होता है, वह नमाज रात के 12 बजे तक पढ़ा जा सकता है। आप उसका कजा 12 बजे तक पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप चाहिए, आप कोशिश यही करिएगा कि आप सारे नमाज टाइम टू टाइम पढ़िएगा। दोस्तों, इसीलिए मैंने आज जा नमाज की पेंटिंग बनाई है। दोस्तों, जा नमाज की पेंटिंग कैसी लगी आपको, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इस पर शेयर कर दीजिएगा। जिसको नमाज के बारे में तौफीक नहीं आता, फरमाई होगी, इल्म नहीं होगी, वो सुनकर ज़रूर कोशिश करेंगे नमाज पढ़ने की। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक और व्यू बढ़ा दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग बताइएगा पेंटिंग कैसी बनी है। दोस्तों, आज मेरा तबीयत थोड़ा सा डाउन है, आप लोग को जैसा कि पता चल ही रहा होगा मेरा आवाज़ सुन के। थोड़ा आवाज़ मेरा जैसे बैठा बैठा दिखाई दे रहा, जैसे जाम हो गया है। दोस्तों, मैंने आप सबके लिए फिर भी वीडियो बना के डाला है। आज मैंने जानमाज की पेंटिंग बनाई है। दोस्तों, मैंने जानमाज की, मेरे दिमाग में वीडियो चल रही थी, मैं सोची कि कैसे बनाऊँ आखिर। फिर मैंने सोचा कि जानमाज में अगर मैंने मदीना शरीफ की पेंटिंग बना दूँगी तो वो देखने में भी अधिक लगेंगे, अच्छे लगेंगे, और हमारा जानमाज भी बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों, देखिए आप लोग कितना सुंदर और कितना सुशोभित लग रहा है जानमाज की फ़ोटो। दोस्तों, आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ज़रूर लास्ट तक देखेंगे, लास्ट की फ़ोटो आप लोगों को पता चलेगा कि अच्छा बना है कि ख़राब। लास्ट में इसकी अच्छी लुक आ रही है। दोस्तों, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, आपसे हमसे जो भी गलती हुई होगी दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ दोस्तों, आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय दोस्तों। और आप लोग को दोस्तों, जो सी भी पेंटिंग बनानी होगी आप कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं, मैं आप लोग के लिए